नमस्कार, आज मैं अलग तरह से खिचड़ी बनाने जा रही हूँ। उसके लिए मूंग की दाल है, चने की दाल है और मसूर की दाल है और चावल है, 200 ग्राम चावल है और वही 200 ग्राम दाल है। तो आज हम बना के दिखाते हैं। दाल चावल को अच्छे से हमने धो के साफ़ कर लिया है, गर्म पानी से धो लिया है। और ये खिचड़ी में तड़का लगाने के लिए बीन्स है, प्याज है, लहसुन है, फूलगोभी है और साग है, पालक का साग है, गाजर है, टमाटर है, अदरक है, हरी मिर्च है, मटर है, तेज़पत्ता है, दालचीनी है और बड़ी इलायची और छोटी इलायची है। तो पहले हम चावल और दाल को पहले उबाल लेंगे, उसके बाद फिर हम तड़का लगाएंगे। तो हम बनाना शुरू करते हैं और बहुत ही आसान है। हम लोग भोजन करते हैं शरीर को एनर्जी के लिए, तो खाने में तो दाल चावल सब्जी पौष्टिक चीज़ तो होना ही चाहिए। तो सारी चीज़ मिला के हम खिचड़ी आज बना रहे हैं। कुकर में हम चावल डाल देते हैं और तीनों दाल को हम एक ही में मिला के और डाल देते हैं। अब हम इसको चावल में डाल देते हैं। इसमें हम दाल डाल देते हैं। अब इसमें हम तेज़पत्ता डाल देंगे, 3 से 4 तेज़पत्ता है और 2 दालचीनी है, बड़ी इलायची छोटी इलायची को ऐसे हम खोल के डालेंगे कि इसका टेस्ट अंदर चल जाए। इसमें अब हम हल्दी पाउडर डालेंगे और स्वाद के अनुसार हम इसमें नमक डाल देंगे। और अगर आपके पास कद्दू है तो आप कद्दू डाल दें, नहीं पपीता है तो कच्चा पपीता काट के डाल दें। मेरे पास तो पपीता तो था पर पक गया है, इसीलिए हम पपीता नहीं डाल रहे हैं, कद्दू नहीं है तो आप पपीता या कद्दू कुछ भी डाल सकते हैं। अब इसमें हम 1 से 1.25 लीटर के आसपास पानी डाल देंगे। अब इसमें हम पालक जो है उसको काट के हम डाल दिए और इसमें हम 1.5 लीटर पानी डाले हैं। इसको इसका ढक्कन बंद कर देते हैं और गैस पे चढ़ा देते हैं। अब हम गैस जला दिए हैं, कुकर का ढक्कन बंद कर देते हैं। अभी हम गैस तेज़ ही रखेंगे, जब इसमें प्रेशर पकड़ लेगा उसके बाद हम इसको धीमा कर देंगे और धीमा करके इसको हम पकाएंगे। तब तक हम उधर दूसरे तरफ इसके लिए तड़का तैयार करते हैं। 5 से 7 मिनट में देखिए प्रेशर पकड़ लिया है। अब देखते हैं, इसको हम उठाएंगे नहीं। और अब हम क्या करेंगे, गैस को हम मध्यम कर देंगे, धीमा कर देंगे गैस को और उसी तरह से हम पकने देंगे। उसके बाद हम उस कम में ही सीटी दिलवाएंगे। तो हम गैस को कम कर देते हैं। ये देखिए 5 से 7 मिनट हमने चढ़ा के रखा तेज आंच पे, फिर 7 मिनट हम रखे धीमी आंच पे। अब देखिए सीटी दे रहा है। बस हम इसमें 1 सीटी ही दिलाएंगे, उसना चावल है पर ज़्यादा पकता नहीं है, कम ही में बन जाता है। तो हम गैस बंद कर देते हैं। आपके पास जैसा चावल है उस अनुसार आप उसमें सीटी दिलवाएं। ये बहुत कम पकता है इसीलिए हम 1 सीटी में ही बंद कर दिए। अब हम तड़का लगाते हैं। कढ़ाई गरम हो गया, अब इसमें हम तेल डाल देते हैं। तेल गरम हो गया, इसमें हम जीरा डाल देते हैं। जब जीरा टटकने लगे तो हम इसमें और सब्जी डालते हैं। थोड़ा सा हींग डाल देंगे, प्याज डाल देंगे, प्याज को हल्का सा हम चला लेते हैं। उसके बाद कटा हुआ लहसुन डाल देंगे। आप चाहें तो लहसुन और हरी मिर्च को कूट के भी डाल सकते हैं। अब इसमें हम हरी मिर्च डाल देंगे। अब हल्का हल्का कलर प्याज चेंज हो गया है, अब इसमें हम बीन्स डाल देते हैं। छोटा छोटा काट के रखेंगे तो बीन्स डाल देते हैं। थोड़ा सा इसमें सब्जी मसाला घर का बना हुआ है वो डाल देंगे और कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे और हम गोभी डाल देंगे। इसको हल्का सा मिला लेते हैं और इसमें हम गोभी डाल देंगे, कटा हुआ फूल गोभी डाल देंगे और एक बार इसको भी हम मिला लेते हैं और हम ढक देंगे। तो अगर हम ढक के पकने देंगे, थोड़ा सा हम आधा चम्मच के आसपास नमक डाल देंगे सब्ज़ी को पकने के लिए। हम चावल दाल में भी डालें, ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे, अपने स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और एक बार हम मिला देते हैं। हम ढक देंगे,
कटा हुआ टमाटर है वो हम डाल देंगे, जिससे जो टमाटर में पानी है उससे मेरा गोभी पक जाए। और इसको हम ढक देंगे धीमी आंच करके, और एक दो मिनट के लिए हम ढक के छोड़ देंगे। तब तक जो टमाटर में पानी होगा वो निकल जाएगा और गोभी भी पक जाएगा। ढक दो, एक बार हम ढक्कन हटा के देख लेते हैं। देखिए टमाटर पूरा पक गया, इसमें पता ही नहीं चल रहा कि टमाटर भी नहीं और गोभी भी नरम हो गया है। अब मेरे पास गाजर है, हम गाजर डाल देंगे, और मटर है, ये मटर भी हम अभी ही डाल देंगे, और एक बार हम चला देते हैं सबको अच्छे से मिला देंगे। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में भी। गाजर हम लास्ट में डालें क्योंकि गाजर को बहुत अधिक पकाना नहीं है इसीलिए। और गोभी भी बिल्कुल पक गया है, हम आपको एक गोभी तोड़ के दिखाते हैं। देखिए कितना आसानी से कट गया ना, तो गोभी भी पक गया है। अब इसमें हम जो दाल चावल को हम उबाल के रखे हैं उसको डाल देंगे। अब ये देखिए कुकर से पूरा प्रेशर निकल गया है, हल्का सा प्रेशर है जिसको हम निकाल देते हैं। ये देखिए इसका हम ढक्कन खोल के हटा देते हैं। देखिए पूरा दाल चावल पूरा पक गया है। अगर आपके पास कढ़ाई छोटा है तो आप कुकर में सब्जी डाल दें, नहीं तो अगर कढ़ाई बड़ा है तो आप कढ़ाई में डाल दें। 1.5 लीटर पानी पूरा सोख लिया, अभी थोड़ा गाढ़ा है इसमें थोड़ा सा पानी और डालना पड़ेगा। अब हम कुकर से इसमें पलट देंगे खिचड़ी को। इस प्रकार आप गर्मा गर्म खिचड़ी बना के खा सकते हैं। बहुत ही आसान विधि है खिचड़ी बनाने की। ये देखिए खिचड़ी बन के तैयार है। तो आप इस प्रकार पहले चावल दाल को बॉयल कर लें, उसके बाद सब्जी फ्राई करके और उसमें खिचड़ी डाल दें, ऐसे आप बना सकते हैं। इसका टेस्ट आप जब बनाइएगा तब देखिएगा कितना अलग हो जाता है। इसमें हम धनिया पत्ता डाल देते हैं, इसमें हम धनिया पत्ता डाल देते हैं और मिला देंगे। गैस ऑफ कर देते हैं और एक प्लेट में हम निकाल के दिखाते हैं। ये देखिए गर्मा गर्म खिचड़ी बन के तैयार है। इसमें हम थोड़ा सा धनिया पत्ता ऊपर से डाल देंगे और एक चम्मच घी डाल देंगे इसमें। आप गर्मा गर्म खिचड़ी बना के खा सकते हैं। आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।